सिकंदर भाई क्या कहेंगे, तुमने आत्महत्या करने की कोशिश की, क्या वजह है इसकी? जिस दिन मैडम ने कहा वो जो रात में अवार्ड साहब के ऊपर जब गुना दाखिल हुआ, उस टाइम में ही मुझे काफ़ी फ़ोन्स आना चालू हो गए, ये शमीम खान के, शाहरुख खान के और शाहरुख के, और लोग यहाँ वहाँ से बात करा रहे थे मुझसे कि मैडम को मना करो कि ये केस ना करें। मैंने भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मैं मना नहीं कर सकता। जो हुआ था वो उन्होंने अपने हिसाब से, उनको उन्होंने गुना केस किया उसके ऊपर, लेकिन उसके पास से कंटिन्यू फिर मेरे ऊपर हरेसमेंट चालू था मुझे। और अब तो ऐसा हो गया था कि मुझे वो मैडम के खिलाफ ही बोलने के लिए ये वो लोग की ऐसी कोशिश थी कि मैं भी मैडम के खिलाफ स्टेटमेंट दूँ। और इवन इसमें वो लोग ने बहुत सारी हदें पार किया, बहुत सारे लोगों के पास से मैसेज भिजवाया, लालच दिया कि मैडम के खिलाफ मैं बोलूँ, जिस तरीके से लोग बोल रहे हैं। पहले बोला मैडम को किसी भी तरीके से केस वापस लेने के लिए एग्री कर, या फिर मैडम की कोई चीज़ मैडम के खिलाफ बोल, तो मैं मना करता रहा। मैं बोला मैं नहीं बोल सकता। तो फिर वो मुझे फिर वो ये मेरे नाम का, जैसे अभी मैडम का एक वीडियो आया, फिर उसके बाद मेरे नाम का एक वीडियो आया, तो वो वीडियो के खिलाफ मुझे मैसेज भेजा गया स्टेडियम में कि पब्लिक आएगी, वो तुझे कॉम के नाम पे तुझे भी मार डालेंगे, मॉब लिंचिंग करेंगे। तो अभी फोन रिकॉर्डिंग है इसकी, ऐसा जो धमकी हमकी दी या मैसेज जैसे आया व्हाट्सएप पे या किसी और? नहीं नहीं, लाइव ही वो यहाँ पे, मतलब किसी ना किसी के जरिए से ऐसे मैसेजेस चल रहे थे, माहौल बनता है दिख रहा था मुझे। फ़ोन पे भी बोल रहे? नहीं नहीं, फ़ोन पे नहीं, फ़ोन पे तो उस टाइम में लोग बोल रहे थे, जिस टाइम में गुना दाखिल हो रहा था ना, मैडम पुलिस स्टेशन में थे उस टाइम में, फ़ोन आ रहे थे मुझे, सभी के फ़ोन आए थे मुझे उस टाइम में। तो मैसेज किसके थ्रू दिया उसका? ऐसे ही कॉमन, अभी जैसे ये परवीन पवार एक ग्रुप में मैसेज चला रहा था ये वीडियो के जरिए, कि इस तरीके का वीडियो बना के तुझे समाज में, मतलब तुम्हारे खिलाफ पूरे समाज को इकट्ठा करके वो मॉब लिंचिंग करवा देंगे, तुझे जान से मरवा देंगे। ऐसा परवीन पवार ने बोला आपको? नहीं, वो ये वीडियो जो उनका चल रहा था ना, तो उसके जरिए उनका पूरा ये था, ये प्लान था, ऐसा लोग बोल रहे थे, ऐसा स्टेडियम में मेरे को इधर उधर से मैसेज आ रहे थे। तो ये जो वीडियो जो वायरल हो रहा है जो कुछ औरतों का, उसमें कितनी सच्चाई नजर आ रही, क्या इस तरीके के मामले पे हो रहे थे? मैं तो कुछ चाहता हूँ उसकी जांच होना चाहिए, वो जो ये सब वीडियो है ना, इसकी जांच होना चाहिए और ऐसे लोगों को लाना चाहिए वहाँ पे कि भाई किसकी ये कौन लोग है, कहाँ से इनको, इनके पीछे कौन काम कर रहा है। और मुझे 200% ये है कि इसके पीछे पूरा NCP काम कर रही है, और इनको बाकायदा पे ही है, पे करके इन्होंने, और इनको अपनी दुश्मनी के चक्कर में किसी की, मेरी दो बेटियां हैं, अगर जो मेरे पर ये इल्ज़ाम, इन्होंने मुझे ये सब करने की वजह यही है कि मैं समाज में क्या किस तरीके से जाऊंगा मैं, समाज अगर जो इस तरीके की घिनौनी हरकत है, अगर जो ये लोग ये हमारे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इसकी जाँच करी जाए। मैं तो चाहता हूँ इसकी जाँच हो, ये जो भी लड़कियाँ हैं इनकी जाँच हो, इन्होंने कब मुझसे कॉन्टेक्ट किया, इनका कब मेरा कॉन्टेक्ट हुआ, इनकी पूरी जाँच होना चाहिए। तो ये जान से मारने की धमकी वगैरह कौन लोग दे रहे हैं, नाम बताओ उनका? जान से मारने की धमकी कोई खुल के सामने से नहीं आके दे रहा, लेकिन वाया मैसेज भेज रहे। और कौन मैसेज कौन पहुंचा रहा था और कौन भेज रहा था? और अब मैं उनके खिलाफ कैसे बता दूं, नाम ले लूं उनकी? इतना बड़ा कदम आपने उठाया और उसके आप उसकी कोई बता ही नहीं रहे, सच्चाई? सच्चाई बता रहा हूं, लोग फोन कर रहे थे ना मुझे जिस टाइम में FIR हो रहा था, शमीम खान, शानू पठान, शाहरुख, सैयद, ये लोग सब फोन करके मुझे बोल रहे थे मैडम गुना वापस ले ले। रात में मुझे ऐसा लगता कि हॉस्पिटल में ही मुझे मेरे कान में किसी ने बोल के गया कि अगर तूने वापस कोई खिलाफ में स्टेटमेंट दिया या मैडम ने गुना वापस नहीं लिया हुआ व्हाट्सएप के ऊपर, तो तेरे को यहीं पे जान से मार देंगे। अभी इस तरीके की धमकी या इस तरीके के मैसेज आगे भी आएंगे, उसके लिए अभी आप क्या कदम उठाओगे? अब जिंदा रह गए तो कुछ कर नहीं सके, क्योंकि हमारी कोई सुनवाई तो होती नहीं है। तो और इस तरीके के अगर जो मेरे ऊपर गुना दाखिल होंगे, तो मेरे को मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सिकंदर भाई, ये सब सारे मामले का आपने हकीकत पुलिस स्टेशन वगैरह में किसी को क्या क्या पुलिस स्टेशन को पता है? जब मैडम
के ऊपर ये गुनाह था, ये वीडियो वायरल हुआ था मैडम, मैं देख रहा था ना वो सब चीज़ें हो रही थी, तो कोई सुन कोई वो अपने जो सीनियर पुलिस है उनको कुछ वो वायरल करने वाले का या वो उससे ज़्यादा वो रहता है कि गुनाह दाखिल करने का ये रहता है, तो गुनाह दाखिल कर लिया उन्होंने तो मेरे ऊपर भी गुनाह दाखिल हो जाएगा, और सब उनको पता ही रहता है ना, उनके तो लोग रहते हैं पुलिस के लोग हर ग्रुप में हैं। अब इस तरीके का अगर जो वो प्रवीण पवार का काम ही यही है कि वो पहले दो बार झूठी एट्रोसिटी किया, मेरे ऊपर भी किया, और फिर उसके बाद अभी ये वीडियो इस तरीके से चला के हरेसमेंट करना ही है, तो समाज में ये एक गिराना हमारे को समाज से, मतलब ऐसे समाज को हमारे खिलाफ भड़काने का काम किया जा रहा है। पुलिस में आपकी जो तो सुनवाई नहीं हो रही है, आपके बोलने का तो बिल्कुल नहीं, एनसीपी वाले बोल रहे हैं कि उन लोगों की भी सुनवाई नहीं हो रही है। तभी मुमरा पुलिस स्टेशन से इसको लेकर आपका स्टेटमेंट वगैरह कुछ हुआ है? नहीं, अभी तक तो कोई स्टेटमेंट नहीं हुआ है। पुलिस ने आके आपसे पूछा नहीं कि आपने क्यों ये अटेम्प्ट किया सुसाइड का? नहीं, पुलिस आई थी लेकिन उस टाइम में जवाब देने के हालत में नहीं था। जैसे आप बता रहे कि आपको बार बार हरेसमेंट किया जा रहा है, तो उसके लिए आप आगे क्या कदम उठाओगे? अभी जो इसके ऊपर ये जिस तरीके से चल रहा है, कोई कड़क एक्शन नहीं लिया गया, तो मैं आगे भी इसके लिखित में कंप्लेंट सीएम कमिश्नर और अपना एसीपी डीसीपी सब जगह दूंगा, और अगर जो उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई तो आगे अगर कुछ मुझे होता तो उसके जिम्मेदार यही लोग हैं। कौन लोग हैं? शमीम खान, जितेंद्र अवार्ड, शानू पठान, शाहरुख सैयद, जिन लोगों ने मुझे फ़ोन किया था शुरू में जिस दिन मैडम ये एफआईआर कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने फ़ोन करना चालू किया था मुझे, उसके बाद कोई डायरेक्ट फ़ोन नहीं कर रहा, लेकिन वाया वाया सब धमकियां चालू है, और इस तरीके से वीडियो वगैरह वायरल करके जिस, और ये प्रवीण पवार जिस तरीके से वीडियो वायरल कर रहा, अगर कोई पुलिस ने उनको उन लड़कियों का स्टेटमेंट वगैरह बराबर से लिया नहीं, और अगर कोई इस तरीके से मेरे पर गुनाह दाखिल हुआ तो मैं उनका पूरा जिम्मेदार उनको ही बनाता हूँ।